जोड़ो यात्रा को लेकर हमारे साथ मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जो अकलीती तबके के पूरे मुल्क हिंद के सदर हैं वो। सर, आप यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए हुए हैं, तो उमूमन ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कम बैक तो कर सकती है, लेकिन कहीं तो भी आपसी अख्तलाफात यहाँ पर रुकावट बनते नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, देखिए, आपसी अख्तलाफात पार्टी में हेल्दी कंपटीशन होना बुरा नहीं है। आप हमसे, हमारे आपको हल्के फुल्के अख्तलाफात दिखते होंगे, आप भाजपा से सवाल करिए जिसमें चीफ मिनिस्टर को एक झटके में उठा के फेंक दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर असेंबली के अंदर ऐसे बैठा बेसहारा दिखता है, उसकी तस्वीरें आप येदुरप्पा की तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आएगा। बम्बई साहब को एक दिन में ला के चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उन्हें कैसे बना दिया गया, जो हटाया गया उसे पता नहीं होता कि उसे क्यों हटा दिया गया। तो आप भाजपा के अख्तलाफात देखिए, अडवाणी जी को कहाँ छोड़ दिया गया, कौन से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया कि पता भी नहीं चल रहा है, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को एक झटके में उठा के संसदीय कार्य समिति से बाहर कर दिया गया। तो आप भाजपा के इख्तलाफात देखिए, भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए। कांग्रेस में तो हेल्दी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है, फिर क्यों हमारे यहाँ से अच्छी डेमोक्रेसी कहाँ हो सकती है? फिर क्यों लोग सर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वजह क्या है? लोग जीत कर आते हैं एक आइडियोलॉजी के तहत, गांधीवादी के तहत, फिर गोडसेवादी कैसे बन जाते हैं? देखिए, ये एक मुश्किल वक्त है, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में एक तरफ CBI खड़ी, एक तरफ ED खड़ी है, एक तरफ पुलिस खड़ी है और एक तरफ पैसे खड़े हैं। भाजपा सब कुछ देने को तैयार है और एक तरफ आपको आवाम के सरोकारों की लड़ाई लड़ना है, तो वही टिकेगा, वही बचेगा जो सच में खिदमत खल्क के लिए सियासत कर रहा होगा, जो अपनी खिदमत के लिए सियासत कर रहा है वो कांग्रेस के साथ नहीं बचेगा। और ऐसे लोग चले जाएं अच्छा है, हम उनके जाने का खैर मकदम करते हैं, वो चले जाएंगे तो अच्छे लोगों के लिए स्पेस बनेगा। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग भी चले गए, जो जिनकी उम्र कांग्रेस में गुजारे थे, तो इस पर क्या? भाई, एक को राज्यसभा चाहिए थी, नहीं मिली तो चले गए, दूसरे को भी ऐसा ही कुछ चाहिए था, नहीं मिली तो चले गए। सर, भाजपा, अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब पार्टी ने 40 साल आपको सब कुछ दिया और आज पार्टी मुश्किल में है तो आप छोड़ के क्यों चले गए? सवाल आपसे है। माँ जब मुश्किल वक्त में हो तो बेटा उसे जो है ले जाके अनाथालय में छोड़ आए या खुद चला जाए, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाए, तो इसे तो उसकी कमी मानी है ना। इसे हमने तो 40 साल, 45 साल, 50 साल निभाया है ना। नहीं, कहाँ कमी रह गई सर? 100 से ज़्यादा तो BJP के अंदर चले गए, कांग्रेस के 170 के करीब करीब लोग उस तरफ गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, 100 से ज़्यादा लोग जो है कांग्रेस छोड़कर भाजपा, कहाँ कमी रह गई? छोड़ के नहीं गए, डर के गए, हमें छोड़ के नहीं गए। वहाँ जाके उन्हें कितनी इज्जत मिल रही है, हार्दिक पटेल को कितनी इज्जत मिल रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितनी इज्जत मिले, बेइज्जत होने के बाद भी लोग वहाँ गए, तो बेइज्जत होने के बाद भी तो लोग सिर्फ डर की वजह से जाते हैं ना, और तो कोई कारण नहीं। डर कैसे निकाला जा सकता? नहीं, डर, राहुल गांधी निकले हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, जो निडर लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, जो डरे हैं वो डरे रहें, जाएं। ये मुश्किल नौजवानों, क्या कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी के साथ वो चलेगा जो निडर होगा, जिसमें हौसला होगा, जिसमें मुल्क और जमहूरियत को और आईन को बचाने की एक कसक होगी, वही चल पाएगा। और आप आज देख रहे होंगे 100 लोग छोड़ के गए, उनके नाम बमुश्किल से आपको याद होंगे, लाखों लोग लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। ये जो बदलाव है, ये जो फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, ये आंधी है, चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। जिनको जाना है, जो आज़ाद होना चाहते हैं वो आज़ाद हो जाएं, जो ग़ुलाम होना चाहते हैं वो ग़ुलाम हो जाएं, जो दूसरे की वकालत करने के लिए दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं वो चले जाएं। सर, धर्म की सियासत जोरों पर है, इस पर क्या है? इससे मुल्क को उबारना है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, धर्म की सियासत करके मुद्दे पीछे छोड़े जा रहे हैं। राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि हमें मुल्क को नफरत की राजनीति से उबारना है और जोड़ना है। जो राजनीति भाजपा कर रही है उससे उबारने के लिए राहुल गांधी आवाम के बीच में है। अब आवाम का इम्तहान है कि वो कहाँ खड़ी होती है। आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? जुड़िए, बिना जुड़े मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। नफरतें बहुत छोटी उम्र की होती हैं, मोहब्बत ज़िंदा रहती है। तो सबसे गुजारिश है कि राहुल गांधी 3570 किलोमीटर जो पैदल चल के अपने पाँव के छालों की परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको भी मुल्क बचाने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मकसद बड़ा है, और जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करिए, छोटे इख्तलाफात नज़रअंदाज करिए, लोकल पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज करिए। मुल्क बचाने के लिए एक बड़ा कॉज है आपके सामने, खड़े होइए, मुल्क बचाइए। मुल्क बचेगा तो आप भी बचेंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी बचेंगी।